जिंदा है बुकला, 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 जिंदाबाद इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबदो या कनस्ताइन। मैं आज अपने मुल्क की वकला ब्रादरी का इस शानदार जो आपने मेरा इस्तकबाल किया, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मेंबर पंजाब बार, आप सबका सीनियर वकला और नौजवान वकला और जो मेरी बहनें यहाँ आई हुई हैं, मैं सबको आज इस इस्तकबाल का फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं दो चीज़ें कहना चाहता हूँ और मैं आपकी तवज्जो इसलिए चाहता हूँ क्योंकि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहले, जिधर पाकिस्तान ये जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई है, जिधर ये पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, जिस दलदल में हमारा मुल्क जा रहा है, आज IMF और वर्ल्ड बैंक वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका टाइप सिचुएशन में जा रहा है कि एक तरफ मायशत सुकड़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ महंगाई आसमानों पे जा रही है। 50 साल तारीख में सबसे ज्यादा आज पाकिस्तान के अंदर महंगाई है। तो इन हालात के अंदर मुल्क एक बड़ी जो कहते हैं सोशल अनरेस्ट की तरफ जा रहा है, तो इसलिए मैं आज आपके पास जो बात करना चाहता हूं, नंबर वन, कि जब भी अब पाकिस्तान हमें इंशाल्लाह इस दलदल से निकालेंगे तो सबसे ज्यादा जरूरत है इस मुल्क को वकला लीगल कम्युनिटी, आप प्लीज सुन लें, रूल ऑफ लॉ की है, कानून की बालादस्ती की जरूरत है इस कौम को। जब तक इस मुल्क में इंसाफ का निजाम ठीक नहीं होता, मायशत नहीं ठीक होगी। मैं आपको बताऊं, सारी दुनिया मैंने देखी है, 20 साल ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिकेट की वजह से रहा हूं, आधा साल बाहर क्रिकेट खेलता था, आधा साल पाकिस्तान में या दुनिया में, तो मैंने दुनिया देखी है। एक फर्क है अमीर और गरीब मुल्कों के अंदर, एक फर्क है, अमीर मुल्कों के अंदर रूल ऑफ लॉ है, इंसाफ है, और वो मुल्क जिधर गुर्बत है उधर जंगल का कानून है, उधर इंसाफ नहीं है। मुझे बताएं, कभी भी आपको मौका हो मगरबी ममालिक में जाने का, मैंने कभी नामालूम फोन कॉल से धमकियां किसी को नहीं देते देखा। मैंने कब्जा ग्रुप नहीं देखे जमीनों के ऊपर, किसी की जरूरत नहीं कब्जा करने की। मैंने आम आदमी को थानों के अंदर जिस तरह का जुल्म हुआ शबाज गिल पे, किसी की जरूरत नहीं है करने की। किसी एक, ये नहीं कि वो कोई दहशतगर्द था या वो कोई माफिया का हिस्सा था या वो कोई हार्डन क्रिमिनल था, एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था उसको उन्होंने नंगा करके 2 दिन तशद्दुद किया। यह किसी सिविलाइज्ड मुल्क में नहीं होता जिधर रूल ऑफ लॉ होता है, जरूरत नहीं होती किसी की। यह जो हमारे मुल्क में जिस तरह मीडिया के ऊपर सख्तियां, टेलीविजन चैनल्स बंद कर दी जो इमरान खान को दिखाती थी, चैनल बंद कर दी,
वो सहाफी जिनकी इज्जत है माशरे में, क्रेडिबिलिटी है, अशर शरीफ जैसा आदमी वो मुल्क छोड़ के बाहर चला गया, साबर शाकिर बाहर चला गया, एयाज अमीर जैसे दानश्वर को इन्होंने जलील किया, इमरान रियाज, यानी वो लोग जो माशरा जिनको क्रेडिबल समझता है उनको सिर्फ इसलिए उनके ऊपर ये हर किस्म का उनके ऊपर FIR काटी, उनके ऊपर धमकियां दी गई, उनके घरों में घुस गए। हमारा सोशल मीडिया का अरसलान डॉक्टर, PhD डॉक्टर अरसलान खालिद, उसके वो घर में नहीं था, 20 लोग उसके अंदर घुस गए प्लेन कपड़ों के अंदर, सारी औरतें थी घर की, सिर्फ एक नौजवान था, उसको सारी औरतों के सामने मारा उसको। तो कौन से, मैं अपनी कौम को आज कहना चाहता हूं, मेरी कौम ये सुन लो, ये है जुल्म का निजाम, ये है जंगल का निजाम कि जो ताकतवर हो वो जो मर्जी करे और जो कमजोर हो कोई कानून उसकी हिफाजत ना करे। वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जिनका काम है कि रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करना, वही कानून तोड़ती हैं, वही लोगों के ऊपर जुल्म करती हैं। और सबसे ज्यादा जरूरत यह समझ जाए कि जब तक एक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आती। रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो करप्शन होती है, जिन मुल्कों में रूल ऑफ लॉ होता करप्शन नहीं आ सकती। आपने कभी सुना है, कोई मुझे एक मगरबी मुल्क बता दें जो जिधर जमहूरी निजाम चल रहा है, एक बता दें जिनके वजीर आजम के अरबों 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 रुपए की प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर हो, एक बता दें। आप और तो छोड़ें, ये साथ वाला मुल्क, ये नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज हैं, ये कुछ तस्वर भी नहीं कर सकता कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपए के महलात बाहर रखे, बिजनेसेस बाहर रखे, बच्चे बरतानिया का पासपोर्ट कहें जी हम पाकिस्तानी शहरी नहीं, क्योंकि वो जवाब ही नहीं दे सकते कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं। ये कहीं नहीं होता, ये तब होता है जब ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, जो जंगल का कानून है, शेर के लिए एक और कानून होता है बेचारा, हिरन के लिए दूसरा कानून होता है जंगल में, शेर जो चाहे करता है उसको कोई पूछता नहीं है, और बेचारा जो कमजोर होता है उनको कोई हिफाजत करने के लिए नहीं आता। ये है इस वक्त पाकिस्तान के हालात। आप तमाशा देखें, अभी आपने करारदाद भी पास की कि किसी भी महजब माशरे में यह तस्वर कोई कर सकता है कि मुल्क का वजीर आजम जिसको सजा होनी थी FIA के अरबों रुपए के केसेस में, उसके बेटों को सजा होनी थी ओपन एंड शट केसेस में, वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है और वो जाके लंदन एक सजायाफ्ता मफरूर झूठा जो इस मुल्क से पैसे चोरी करके अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में है, उससे क्या चीज करने कंसल्ट करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। यानी जो मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा होता है, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, वो एक डाकू, एक मफरूर, एक जो अरबों रुपए पैसे चोरी करके बाहर भागा और जो झूठा झूठ बोल के बाहर गया, और प्राइम जो मौजूदा क्राइम मिनिस्टर है, इसने साइन किया था वो एफिडेविट अदालत में या हाई कोर्ट में कि जी वापस आ जाएगा इलाज करवा के, ये फैसला करेंगे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजिशन है, क्या ये फैसला करेंगे? आप मुझे बताए ना, आप बताए मुझे, ये कोई तसव्वुर कर सकता है
कि किसी मौजब माशरे में होगा। और फिर हम अपनी कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं? हमारे 60% पाकिस्तानी 30 साल से कम उम्र में नौजवान हैं। अपने यूथ को हम क्या पैगाम दे रहे हैं कि कोई चोरी करना बुरी चीज नहीं है? हम कह रहे हैं कि अगर डाका मारो तो बड़ा डाका मारो, सिर्फ छोटे चेर जेलों में जाते हैं, बड़ा डाकू ये नहीं हम पकड़ सकते इस माशरे में। और मेरे ये आप वकला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ये मैं बार बार लोगों को ये हदीस सुनाता हूं, ये आज हमारे मुल्क के लिए सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जब छोटा चोर चोरी करता था जेल में डालते थे, लेकिन जब बड़ा डाकू चोरी करता था उसको माशरा सजा नहीं देता था, वो तबाह हो जाता है। जो माशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो आहिस्ता आहिस्ता तबाह होता है। और ये जो हम इन्होंने 5 महीने में जो पाकिस्तान के साथ किया है, जब से ये बैरूनी साजिश के तहत ये डाकू हमारे ऊपर आए हैं, इन्होंने जो मुल्क के साथ किया है, दुश्मन भी ना कर सके, वो इकोनॉमी जो मुश्किलों से कोरोना के बावजूद ठीक चल रही थी, 17 साल के बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट थी पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे इन्होंने प्रिंट किया उसके मुताबिक 4 फसलें रिकॉर्ड थी, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड थी, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड थी, इंडस्ट्री देर के बाद उठी थी, 11% ग्रोथ रेट थी। करके हम दुनिया को ये बतला, तो कैसे ये चोरों को ऊपर मुसलत किया? मुल्क की इकोनॉमी का भी बेड़ा गर्क, बेरोजगारी आज बढ़ रही है। फैसलाबाद जिधर मजदूर नहीं मिलते थे, आज 20% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है। किसान आज इस्लामाबाद में पहुंचे हुए हैं, किसानों के ट्यूबवेल के रेट आसमानों पे, खादों के रेट आसमानों पे, आज पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का मसला बना हुआ है। और सिर्फ इनको फायदा है क्योंकि इन्होंने आते साथ ही नैब की अमेंडमेंट करके अपने सारे अरबों रुपए के करप्शन के इनके केसेस खत्म हो रहे हैं। ये दूसरी दफा, पहला एनआरओ मुशर्रफ ने दिया था और अब ये दूसरा एनआरओ लेके अपनी चोरी खत्म कर रहे हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इसलिए मैं आज आपके पास आया था और मैं ये चाहता हूं कि देखें, आपका बहुत बड़ा रोल है, आपकी जिम्मेदारी है इस मुल्क के रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना। इतना बड़ा जुल्म हो कि आपके सामने इनके अरबों रुपए के केसेस माफ किए जा रहे हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरा केस पड़ा हुआ है, ये नैब ऑर्डिनेंस जो नैब की अमेंडमेंट के खिलाफ, लेकिन मुझे अपनी पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी की जरूरत है अपने मुल्क के लिए। अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, रूल ऑफ लॉ, इंसाफ। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा था कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन ना इंसाफी और जुल्म का निजाम कभी नहीं चलता इस मुल्क में। मुझे लोग कहते हैं जी कैसे आप पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेंगे? मैं आपको गारंटी करता हूं कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है, एक दफा यहां हम अपना कानून ठीक कर दें, हम रूल ऑफ लॉ इंपोज कर दें, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट कर दें, मैं आपको कहता हूं कि सिर्फ 5 लाख ही बैरून मुल्क पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट कर दें, आपको IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका वो जो अभी शहबाज शरीफ जिधर जाता है हाथ आगे फैला देता है, वो है तुम्हारे पास? जिधर जाता है पैसे मांगता है और कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आपने वो देखा था मेरे वकला आपने वो देखा था कि वो जो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस का आया है एंटोनियो गुटरस, उसका बाजू ही पकड़ लिया इसने, कहता कि अगर आप हमें पैसे देंगे तो मैं और मेरे मिनिस्टर
आपको वादा करते हम चोरी नहीं करेंगे। कभी सुना ये, कभी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात करता है और वो गुटरेस को, वो सेक्रेटरी जनरल को पता था कि 60% इनकी कैबिनेट जमानत पे है, करप्शन के केसेस पे है, प्राइम मिनिस्टर खुद जमानत पे है। तो मेरे वकला, आपने आज वादा करना है, मैं जो अब इस तारीख में निकल गया हूं, मेरी हफ्ते से ये तारीख शुरू हो जाएगी, आपने मेरे साथ निकलना है जब मैं आपको कॉल दूं इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए। और मैं अपनी सारी कौम को आज आपके सामने कह रहा हूं कि आगे से जो भी आपको नामालूम नंबर से टेलीफोन करके धमकियां दे, उसको वापस धमकी दो ये कहते हुए कि मेरा आइन मेरे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा राइट है। मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ही मांगने आया। क्या बोला तूने? आया हूं तो आप समझेंगे शायद ही मांगने आया। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। बस 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 बस, मैं ये कह रहा कि देखिए, वो मैंने एक चीज कहता हूं अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए कि एक फौज, एक शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो, शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो वो हार जाएगी, 100 गीदड़ों की फौज जिसका सरदार शेर हो। हमारा मुल्क बदकिस्मती से चोरों के हाथ में फंसा हुआ है। हमने इसकी पूरी तहरीक चलानी है। इलेक्शन से ये भाग रहे हैं, इनको पता है कि इलेक्शन अब ये नहीं जीत सकते, इनको पता है पाकिस्तानी कौम किधर खड़ी है, इसलिए ये सारे मिलके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कुर्सी को पकड़ ले और मुल्क बुशक नीचे जाए, क्योंकि 33% रुपया गिरा है, 33% डॉलर बढ़ा है, 33% इनके आने में इस मुल्क की दौलत कम हुई है, आप सबका पैसा 33% कम हुआ है, लेकिन इनके मुल्क से बाहर पैसे पड़े हैं डॉलर्स में, इनकी दौलत में 33% इजाफा हुआ है। या लोग गरीब हुए या अमीर हुए हैं, ये भी मेरे वकला, एक और चीज फैसला कर लो, आगे से अजान हो रही है, मैं बस खत्म कर रहा हूं, आगे से कभी किसी पार्टी को वोट ना देना जिसके लीडर और मिनिस्टर्स का पैसा पाकिस्तान में ना पड़ा हो, जिनका पैसा बाहर पड़ा है कभी उनको वोट ना देना, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, रुपया गिरता है उनको फायदा होता है या नुकसान होता है लोगों को। अब जो रुपया गिर रहा है, कौम में महंगाई आ रही है, कौम की दौलत में कमी हो रही है, लेकिन लंदन में वो बैठ के और ये जरदारी और ये नवाज शरीफ, इनकी दौलत में इजाफा हो रहा है। इसलिए आप सब तैयार हो जाओ, मैं कॉल दूंगा और इंशाल्लाह हकीकी तौर पे अपने मुल्क को आजाद करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।